हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो फिर से रेस्क्यू का वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं, रिलीज का वीडियो डाल रहा हूँ। तो वजह ये थी कि कल इतने रेस्क्यू कॉल थे, करीब 9 से 10 रेस्क्यू किए थे कल, तो वीडियो बनाने का वक्त ही नहीं मिला। एक कॉल पे जाता था तभी दूसरा कॉल आता था, तो इतने गैप में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ऑफकोर्स रिलीज का वीडियो ज़रूर। तो निकलते हैं फॉरेस्ट एरिया में, जाएंगे अभी रिलीज को। एक इंडियन रेड स्नैक है, ग्रास स्नैक है, तो देखेंगे, जाएंगे उनको सुरक्षित जगह जंगल में, उनके हैबिटेट में रिलीज करेंगे, बात करेंगे उनके बारे में, लेंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और ऑफकोर्स अफवाहों के बारे में बात करेंगे। उसके क्या क्या अफवाह है धामन साहब के बारे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अफवाह है, तो बात करेंगे उसके बारे में भी, और उसको रिलीज करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम फॉरेस्ट में पहुँचे, मेरे हाथ में इस बॉटल में ग्रास स्नेक है गावते नाम का, इसकी हिंदी में गावते बोलते हैं, मराठी में भी इसको गावते बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ग्रीन किलबैक स्नेक बोलते हैं। और इस बैग में धामन सांप है, इंडियन रेड स्नैक, इसको भी ये फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। और इसको पहले इस सांप के बारे में बात करेंगे। ग्रास स्नैक बहुत ही खूबसूरत ऐसा सांप है, एकदम शांत स्वभाव है इस सांप का एकदम। अब ध्यान से देखोगे तो इस पे काले कलर की ब्लैक लाइनिंग है, ब्लैक कलर में जो लाइनिंग है। ये सांप जब छोटा होता है तो ये ज़्यादा डार्क रहती है ब्लैक लाइनिंग, और जैसे ये बड़ा होता जाता है तो ये ब्लैक लाइनिंग कम हो जाती है, और बाद में वो दिखेगी भी नहीं। कम से कम 3-3.5 फीट से ये सांप बढ़ता है, बहुत ही शांत सांप है। गुस्सा है तो कोबरा की तरह अपना फन निकालने की कोशिश करता है ये सांप भी। अभी देखो इसको काटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही शांत स्वभाव है सांप का। इतना शांत होने के बाद भी लोग इसे मार देते हैं। अगर थोड़ी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं सांपों के बारे में, थोड़ी जानकारी, थोड़ी अगर किताबें पढ़ते, थोड़ी गूगल से या फिर कहीं से भी हम सांप के बारे में अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते या सांप पहचान सकते हैं हम, तो बहुत से सांपों की जान बच सकती है। बिना जहर वाले सांपों को भी लोग जहरीला सांप समझ के मार देते हैं, इस बात का हमें ज़्यादा दुख होता है। वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य रहता है हमारा, कि सांप की वजह से किसी इंसान की जान ना जाए और सांपों की भी रक्षा हम कर सकते। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत अगर पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत सांपों की जानकारी हासिल कर सके, उनके बारे में पढ़े, तो ज़रूर एक नया परिवर्तन होगा हमारे समाज में। तो चलते इसको रिलीज करेंगे अभी। इसमें इंडियन रेड स्नैक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे अफवाह है हमारे समाज में। जैसे आप गाय भैंस जो होती है उनको पेड़ दबोच कर उनका दूध पीता है, लेकिन कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। सभी सांप आसान भाषा में कहे तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो सिर्फ मांस खाना पसंद करते हैं, अंडे खाना पसंद करते हैं, दूसरे जानवरों के अंडे। इसको अपने हैबिटेट में जाने की जल्दी है। बहुत ही 10-12 फीट तक ये सांप बढ़ता है इसकी लंबाई। इसकी साइज की वजह से लोग इसको जहरीला समझते और मार देते हैं। मैंने कहा अगर, लेकिन ये बिल्कुल बिना जहर वाला सांप है, नॉन वेनम स्नेक है। भारत में इंडियन रेड स्नेक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेड खाना है, चूहा इसका पसंदीदा खाना है। सबसे ज़्यादा चूहे खाने वाले सांपों में इसकी गिनती की जाती है। अभी वाइट पे इसे अटैक कर रहा है, लोग कहते हैं धामन सांप काटता नहीं, लेकिन ऑफकोर्स मैंने खुद धामन की 2-3 बार वाइट खाई है। लोगों का ये
वो ध्यान दो विश्वास कि धामन साहब कभी नहीं काटता हमको। दिन में एक दो लोग ऐसे मिलते कि मैं धामन पकड़ता हूँ, वो नहीं काटता है, कुछ नहीं करता। जब भी मैं कॉल पे जाओ, इसी कॉल की बात करते ही जब मैं इस कॉल पे गया था तो लोगों ने कहा धामी ने तो काटते ही नहीं, लेकिन अभी देखो इसका अटैक करके वह धामन साहब भी कोबरा साहब जैसे आवाज़ करता है, इस करके आवाज़ रहता है उसका। अपना सर के पास का जो गर्दन का भाग है वो अटैक के समय वो फुला लेता है और बहुत ही तेजी से बाइट करता है। इसकी बाइट बहुत ही घाव देती है, हमें खूनी निकाल देगी। ऑपरेशन ब्लेड नहीं काटने जैसा रहता है, इसकी बाइट अगर होती है तो ऐसा ब्लेड से कुछ नुकीली चीज़ से हमें जैसे स्टिचेस मारे गए होंगे वैसा रहता है, खूनी निकाल देता है इसकी बाइट। मुझे 4 महीने पहले इसकी जो बाइट हुई थी उसका फोटो मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा साइड में। तो जल्दी है, रात को रेस्क्यू किया था। 30-40 किलोमीटर यहाँ से केर पिंपल गाँव का नाम है, अहमदनगर पाथड़ी रोड पे, उस साइड से कॉल आया था तो इसको रेस्क्यू किया था। देखो अभी इसकी बाइट, चलो इससे आवाज़ कर रहे हैं, आपको सुनाई देता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आवाज कर रहा है अभी। वो इसको रिलीज करेंगे अभी। अभी इन दोनों सांपों को हमने फॉरेस्ट में रिलीज किया है। तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए, आपने अब तक हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके सब्सक्रिप्शन क्या है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम भी चलो अभी कुछ लोग हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं तो वीडियो बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोज़ ज़रूर स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी मैं 2-3 वीडियो में यही बता रहा हूँ कि सिर्फ रिलीज के वीडियो डाल रहा हूँ, तो जल्दी से हम स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन भी अगली बार डालूंगा, तो ये 2-3 दिन में स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन का भी वीडियो डालूंगा, ज़रूर देखेंगे अभी देखेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।